हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे रोहू फिशकरी बनाना ऑथेंटिक केरला स्टाइल में, जो कि बहुत ही टेस्टी होगी। इसके लिए हमें प्याज, कड़ी पत्ता और मिर्च को पीसना है। अब हम इन तीनों चीज़ों को पीसेंगे। इसमें है कड़ी पत्ता, प्याज और मिर्च। अब हम इसमें प्याज ऐड कर दिया और इसे पीस रहे हैं। अब हम कढ़ाई गरम कर रहे हैं। अब कुछ सरसों ऐड करेंगे इसमें हम। अब सरसों के बीज पकने के बाद उसमें हम मेथी ऐड करेंगे। अब इसे धीमी आंच में हम पका रहे हैं। एक बार मेथी पकने के बाद इसमें हम जो हमने पहले पेस्ट बनाया था, मिर्च, करी पत्ता और प्याज का, वो ऐड करेंगे और उसे धीमी आंच में पकाएंगे। अब इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल रहे हैं। इसे धीमी आंच में पकाएंगे। अब हम इसमें गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे और उसे धीमी आंच में पकाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा इमली का पेस्ट ऐड करेंगे और उसे धीमी आंच में चलाते हुए पकाएंगे। अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे अब हम इसमें 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसे धीमी आंच में चलाते हुए पकाएंगे। अब इसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसे धीमी आंच में पकाते रहेंगे। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे और हिलाते रहेंगे। अब इसमें टमाटर को अच्छे से पकने तक हम धीमी आंच में पकाते रहेंगे, जब तक ये इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से घुल नहीं जाते हैं। अब टमाटर अच्छी तरीके से पक रहे हैं, वो तेल में अच्छे से घुल रहे हैं। मसाला तैयार हो गया है फिश करी बनाने के लिए। इसमें एक बात की ध्यान देने की ज़रूरत है, इस करी को बनाते समय देसी टमाटर इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम इसमें आवश्यकता अनुसार पानी डालेंगे और इसे अच्छे से चलाते रहें। अब ये करीब अच्छे से उबलने लग रहा है। अब हम इसमें कटी हुई मछली के पीसेस ऐड करेंगे। कढ़ाई में इतना पानी रखना है कि सारे पीसेस अच्छे से पानी में डूब जाएं। करी पकाते समय इसको ढकने की ज़रूरत नहीं है और अब इसे मीडियम आंच में पकाना है। आप चाहें तो इसमें धनिया पाउडर ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक केरला टेस्ट के लिए धनिया पाउडर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब फिश करी बहुत अच्छे से उबल रही है, जो कि बहुत ही मध्यम आंच में पक रही है। अब आंच को कम कर देना है और इसे 15 से 20 मिनट पकने देना है। अब फिश करी बनके तैयार हो गई है और हम इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। अब करी बनके तैयार है। मैंने टेस्ट किया है, ये बहुत ही टेस्टी है। इट्स रियली यमी।
इसे आप रोटी, पराठा या चावल के साथ परोस सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन वॉच टिल एंड।